भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यह मेड इन स्वीडन का बना हुआ है, इसको बैल गाजियाबाद द्वारा 1992 के अंदर अपग्रेड किया गया और इसकी रेंज 32 किलोमीटर तक हवा में उड़ने वाले टारगेट को सर्च और ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिंदगी का बहुत ही सुखद और बहुत ही क्या बोलते हैं सर, ये मोमेंट है सर, ऐसा जिंदगी कहाँ मिलेगा। मिले नहीं, आपके लिए चेना हमेशा तैयार रहेगी। ये सर आप आराम से अच्छे से एंजॉय कीजिए चाय का। ये सर, सर आपका नाम सर? जैन साहब। भाई साहब देख सकते हैं, जो देख के तो कुछ बॉडी नहीं निकल रहा है। सपना था मेरे को आर्मी बनने का, मेरे साक्षात मेरे सामने खड़े हैं सर लोग, देख के तो कैसा लग रहा है सर। आई एम फीलिंग वेरी बेटर सर। यूट्यूबर हो? ये सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। सर अमित सौरभ सर, सौरभ सर, सौरभ सौरभ अमित सौरभ। ये सर, ये सर, ये सर देख रहे सर, यूट्यूब में मिलेगा सर देखने को सर। सौरभ ये सर, हाँ सर चाय मिल रहा है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो भाई यहाँ पे देखो चाय मिल गया है ना, तो पीने में मजा आ रहा है। सर को मैं बहुत बहुत बोलता हूँ, थैंक यू सर, आई लव यू सर। आप देख सकते हैं गाइस, अभी सर ने चाय दिया, ये बहुत खुशनसीब, इसको बोल सकते हैं खुशनसीब है हम, जो हम लोग चाय मिला है। अभी सर लोग से मिलते हैं, सर लोग से। सर आप लोग कैसे हैं सर? बढ़िया हैं सर। आप लोग देखो बहुत खुशी हो रही है सर, मेरा सपना था सर बचपन में सर, 6 बार अटेंड किया सर आर्मी वाली सर, सके नहीं सर। आप लोग देख इतना अच्छा लग रहा है ना, माँ कसम लग रहा है कि आप लोग को एक बार गले लगा लूँ। लेकिन अभी मोमेंट अभी दूसरे हैं। तो सर क्या कैमरा अंदर ले जा सकते हैं सर? अभी आ गए हमारे सेना को सशस्त्र जो प्रदर्शनी लगा है उसको देखने के लिए, और हम लोग अलाउ मिला है जाने के लिए, जाते हैं और सर थैंक यू बोलते हैं। चेक हो गया सर, ये मोबाइल है सर, थैंक यू सर। सर देख सर, नहीं सर उसका दूसरा नाम अर्जुन ब्लॉग है सर। सो गाइस तो फाइनली एंट्री हो गया है और आप देख सकते हो 105/UFG सर, छू लेते हैं सर, कभी मिले ना छूने के लिए। ठीक है, चल जल्दी नौकरी लग जाए। सैनिकों का हम सबसे बस इतना ही कहना है, सोने के गहनों से बेहतर बंदूकों का कहना है। आज सर कंट्रोल कर रहे हैं सर? हाँ। अच्छा सर क्या नाम है सर इसका? सर इसका नाम रडार USFM है। यस सर। यह मेड इन स्वीडन का बना हुआ है, इसको बैल गाजियाबाद द्वारा 1992 के अंदर अपग्रेड किया गया और इसकी रेंज 32 किलोमीटर तक हवा में उड़ने वाले टारगेट को सर्च और ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड में? हाँ जी, कसम बहुत जबरदस्त। इसके साथ 2 क्विक फायर 40mm L70 गन दिया गया है, यहाँ से हम रिमोटली फायर करा सकते हैं उसको। जी सर। वाह। और इसके साथ 6 क्रू होते हैं मेंबर, बहुत जबरदस्त। पावर कंजप्शन 220V 50R 3-phase AC है इसका साथ। टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी 1 at a time एक टारगेट को हैंडलिंग कैपेबिलिटी है इसकी, बहुत जबरदस्त। और ये एक फायर कंट्रोल रडार है। फायर कंट्रोल रडार, मतलब जो फायर होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। हाँ सर। वाह, बहुत पावरफुल सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय। चलिए दिखाते हैं इसको पावर रेंज, देख सकते हो भाई यहाँ पर लेंस भी लगा हुआ, देख सकते हो। देखते कहाँ से? सब कुछ ऐसा ऐसा चीज है ना, समझ नहीं आ रहा कहाँ देखे कैसा देखे, ऐसा ऐसा चीज है ना देखने को मिल रहा है ना।
बैठ गया है। देखो वहाँ छुओ, इसे पकड़ो। अरे गन्स सिम्स यार, सर जैन सब भारत, हमारा जो सरकार का जो वेपन्स है देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस, सारे वेपन आप देख सकते हैं। यहाँ से दिखाते हैं, चलिए अंदर में। गोली नहीं है, गोला है। वो गोला है सर, छोटी गोली होती है जी सर, बड़ा गोला यही इसी में इंटर होता है ना सर। कितना रेंज पड़ता होगा सर? इस गन का नाम है 1.05 mm लाइट फील्ड गन। ये मेड इन इंडिया है। 1978 में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में बनाया गया है। इसका गन का वेट है 2300 kg और इसका रेंज है 17,200 meters माने 17.2 kilometers। और इसका राउंड का वेट, इसको जो आप, इसका वेट है 16 kg। 16 kg? 16 kg। और ये एक मिनट में 6 rounds फायर कर सकता है। 6 rounds और 17 kilometers पहुंचने में इस गोले को 19 seconds लगता है। मात्र 19 seconds। 1 second में 930 meters जाता है। You, ये कारगिल 99 कारगिल वार में एक गन हिस्सा लिया हुआ है। yes, एक इंडिया का मास्टर गन माना जाता है। जय हिंद। वाइड एंगल सर बताइए सर, आपने तो चैनल से है या सर? यूट्यूब चैनल। क्या नाम सर? अमित सौरभ सर। अमित सौरभ। मैदान के उस कोने की तरफ ले जाना चाहूंगा जहां बहादुर आर्मी अपने हैंडलर्स के साथ उत्कृष्ट मार्चिंग करते हुए। तो एक चीज बता दूं आप लोगों को, हर कोई इतना एक्साइटेड है देखने के लिए, बट जब तक वो लॉन्च नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा लॉन्च किया जा रहा है, थोड़ा देख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ। और ये देखो सर, अदर के साथ कम्युनिकेशन तो नहीं होता होगा? नहीं हो सर, इसमें क्या होता है कभी कभार हमें दुश्मन भी हैक कर लेता है, उसके लिए हमें इसमें सीक्रेसी अपडेट करनी पड़ती है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर में ये बात करने के लिए काम आता है हमारा। सर जो इसमें एट ए टाइम हम 128 subscribers दे सकते हैं जी सर, ये हम लोकल सेटअप करते हैं, एक जगह सेटअप हो जाता है। ये ऑटोमेटिक एक्शन, ये हमारा जैसे हमारे फील्ड में हमारा पार्टियों पे भी वो रहता है, हमारा बेस रहता है, तो कहीं गिर जाए टूटने का डर नहीं होता इसका। यहाँ पर चीफ आ गए हैं और यहाँ पर कुछ देख रहे हैं भाई। चलो हम लोग आगे चलते हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। अरे तो मिल गए, हो चुका है। और यहाँ पर बहुत ही टेक्निकल सामान है, जितने भी सारे टेक्निकल है, टेक्निक से रिलेटेड यहाँ पर सामान रखे हुए हैं। और अभी बाहर ले चलते हैं, बाहर का माहौल बना हुआ। सो आज देखने को जो मिल रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ऐसा लाइफ में कभी देखने को नहीं मिला था। एक बार क्या री इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? अच्छा, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। बिल्कुल सर, आप लोग बताए कैसा लग रहा है सर? सर ये चैनल है यूट्यूब का सर। यूट्यूब जी सर, हम लोग को यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। यानी जो चीज़ हम लोग सपने में कल्पना नहीं कर सकते वो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हमारे आर्मी वाले के बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को ओपन करके इन्होंने ये सब दिखलाया, दिखाने का मौका मिला हम लोग को, देखने का मौका मिला। मैम आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टीवी में देखते हैं अभी, हम लोग को लाइव दिखा रहा है, सामने ओपन दिखाई को मिला, और क्या चाहिए। सही, साक्षात दर्शन हो रहा है, और क्या चाहिए। अमित भाई हैं, हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं, मेरा बारी। एक बार उठाया।
मतलब पबजी वाला सारा गन को उठा लिया। तो गाइस बारिश छूट गया है और हम लोग देखने के लिए निकल रहे हैं दोस्तों के साथ, देख सकते हैं और माहौल कुछ ऐसा है। एक बार बोलेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओ थैंक यू सो मच ब्रदर्स। ये हुआ जोश, जोश के साथ जैन सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये देखने को मिला बहुत अच्छा लगा। तो सभी के चेहरे में हंसी और खुशी है, ऐसा देखने को कहाँ मिला था। जैन सर और क्या करें, निकलना होगा। तो फाइनली गाइस एग्जिट हम लोग करते हैं, देख लिए बहुत सारा चीज़, जो देखना जो नसीब नहीं था वो उस भी नसीब हो गया देखने के लिए। और आज लास्ट डेट था, आज के बाद तो देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली निकलते हैं और अच्छा लगा देख के, बहुत सारा चीज़ ऐसा जो देखने नहीं पाए, बहुत सा ऐसा चीज़ था जो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा था, घूमते घूमते टाइम जो वीडियो का जो लेंथ था बहुत ज़्यादा जा रहा था, बहुत समय हो गया। और भाई वीडियो कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि ये देखने को कभी मिला नहीं था जो आज हम देख चुके हैं, मतलब सभी के लिए न्यू था, पहली बार सभी के लिए न्यू था। और ऐसा कहाँ मिलेगा देखने के लिए, छूने के लिए, दूर दूर तक तो कहीं नहीं मिलता जो आज हम लोग को मिल चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और यहाँ सभी खत्म।